तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज का एक और आईपीएल के मैच पर में, जो कि खेल जाएगा दिल्ली कैपिटल उसे राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच खेलेगा। तो ये मैच चलोगे 3:30 बजे आज दोपहर को चलोगा। अभी 3 घंटा बाकी है, तो अभी के लिए वीडियो बनाओ, थोड़ा देर हो गया वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, सॉरी है। यहाँ पे देख लो, इस मैच आपको फ्री एंट्री मिल रहा है। अब तो यहाँ पे 20 टीम लगा के आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा ऐप है गाइस, फ्री में आपको विनिंग्स दे रहा है। और उस विनिंग से आपको देखो 100% मोस्टली यहाँ पे उसमें बोनस लीग आप जॉइन करके यहाँ पर रियल कैश आसानी से कमा सकते हो। तो काफ़ी बड़ा ऐप है गाइस, जरूर एक बार ट्राई कर लो। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपको चाहिए तो। तो बात करते हैं पहले कुछ धोनी का प्लेयर की स्टार्टिंग है। प्लेयर की स्टार्टिंग के बाद पिछले मैच के परफॉर्मेंस और सब स्टैट्स देखने के बाद मेरा फाइनल टीम आपको मेरा लास्ट में दिखा दूंगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले तो कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट्स को। भाई दिल्ली का डेविड वॉर्नर कैप्टन है, ओपनिंग कर सकते हैं पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर ओपनिंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन डाउन मिशेल मार्श, उसके बाद मनीष पांड्या, रोहन पॉल, शाहरुख खान, आई थिंक अक्षर पटेल, ललित यादव यार और एम कुमार, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। कुलदीप यादव, खलील अहमद और चेतन सक्रिया 3 बॉलर हैं यहाँ पे। तो यह है दिल्ली का कुछ प्लेइंग लाइन। मुझे लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट का थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेइंग लाइन है। तो पिच रिपोर्ट बात करें तो यहाँ पे देख लो, दिस पिच विल सपोर्ट बैटिंग सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड स्कोरिंग गेम। तो एक बैटिंग पिच है, एक अच्छे बैटिंग पिच है और बैटिंग स्कोर भी यहाँ पे बन सकते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 160 का है, 160 यहाँ पे एवरेज बनता है। हाईएस्ट स्कोर बना यहाँ पे 199 दो विकेट पे, और लोएस्ट यहाँ पे 99 पर 8 विकेट हो गए थे। टोटल T20 मैच प्लेट 6 मैच यहाँ पे खेला है। पहले बैटिंग करने वाली 5 मैच यहाँ पे जीता है और एक मैच चेस करने वाली 1 मैच जीत के आएगी। तो लास्ट 5 मैच में स्टैट देखो तो प्लेयर के यहाँ पे डीसीज के कुछ लास्ट 5 मैच का स्टैट देखो तो यहाँ पे डेविड वॉर्नर पिछले मैच 23 रन बनाए गए थे, उससे पहले 36 रन, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 16 और उससे पहले 26 रन बनाए गए थे। और एक कैप्टन भी है तो अच्छे पारी खेल के आ सकते हैं। नेक्स्ट आ यहाँ पे पृथ्वी शॉ, पिछले मैच 10 रन, उससे पहले 51 रन, उससे पहले 39, उससे पहले 54, उससे पहले 32 रन बनाए क्या रहे। पृथ्वी शॉ भी बहुत बड़े एक बैट्समैन भी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिशेल मार्श, राइट हैंड बैट्समैन है प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भी है। पिछले मैच 45 रन, उससे पहले 28, 18, 16, 35 रन बनाए क्या रहे। बहुत बड़े बैट्समैन है प्लस बॉलिंग करते तो वहाँ पे आपको विकेट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मनीष पांडे, वन डाउन बैटिंग करने आता है। पिछले मैच 0 पर आउट होता, उससे पहले 18 रन, उससे पहले 35, उससे पहले 21, 4 रन बनाए के आ रहा था। प्लेयर अच्छा है, अच्छा बैटिंग करके आ सकता है मनीष पांड्या। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रोहन पॉल, एक वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन है, बैटिंग बॉलिंग भी दोनों करता है। पिछले मैच 11 रन, उससे पहले 28 रन, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 35, उससे पहले 9 रन बना के आया था। ललित यादव राइट आर्म बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर भी है। पिछले मैच 17 रन, उससे पहले 29, उससे पहले 59 रन बनाया गया था, उससे पहले 5 रन बनाया गया था। तो प्लेयर अच्छा है, बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 3 विकेट लेके आया था। लगातार हर मैच 1 विकेट लेके आया था, तो मुझे लग रहा है इस मैच खेलता है, जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यस खान, जो कि पिछले मैच 0 पर आउट होता, उससे पहले 26 रन, उससे पहले 2 रन, 37 रन, 26 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा अच्छा बैटिंग करके आता है, तो उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है। पिछले मैच 2 रन, उससे पहले 29 रन, उससे पहले 2 रन, 21 रन, 9 रन बनाया गया था। बॉलिंग में पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले विकेट नहीं लेता, उससे पहले बॉलिंग नहीं गया था और उससे पहले 1 विकेट लेकर आया था। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे चेतन सखरिया, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 मैच 2-2 विकेट लेकर आया था। लास्ट 5 मैच तो कंसिस्टेंट विकेट लेकर आ रहा, तो मुझे इस मैच में विकेट लेके आ सकता है। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चेनमैन बॉलर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है। पिछले मैच 3 विकेट लेके था और उससे पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका। और खलील अहमद ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। पिछले मैच में पिछले 2 मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लेके आ रहा था। तो वही यहाँ पे DC के मिशेल मार्श ने एक ही मैच खेला, उसमें 37 रन बनाए कह रहे। पृथ्वी शॉ 2 मैच 66 रन बनाए कह रहे। कुलदीप यादव 2 मैच 2 विकेट और ललित यादव 2 मैच 1 विकेट लेके आ रहे। तो आप देख लेते टॉप परफॉर्मेंस एट दिस वेन्यू, तो इस स्टेडियम में टॉप परफॉर्मेंस कौन करे। तो DC के यहाँ पे ए पॉल है, जो कि 3 मैच 22 रन बनाया गया था। और बॉलिंग में एम कुमार, जो कि 4 मैच 6 विकेट ले गया था, DC के एक बॉलर है। आज T20 मैच इस स्टेडियम में कैसा हुआ है, तो अब यहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया होता पिछले मैच में, उसमें न्यूजीलैंड 99 पर 8 विकेट खो गया था और उसमें इंडिया ने 4 विकेट से मैच आसानी से चेस कर लिया था। तो पेस ने 3 विकेट ले गया था और स्पिन ने 6 विकेट, तो यहाँ पे स्पिन बहुत बड़ा चल जाता है। और यहाँ पे हुआ था बैन SCG, उसमें भी पेसर ने 6 विकेट और स्पिन ने 4 विकेट।
और यहाँ पे कोई डोमेस्टिक मैच हुआ है तो वो पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, तो एक चेजिंग पेस बोल सकते हो इनको। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे प्लेयर शाहरुख खान, राइट आर्म बैट्समैन है, विकेट कीपर है, T20 एवरेजिंग का 23 का है, डिसेंट हिटर है, लास्ट 5 मैच 91 रन बना कह रहे हो, तो एक ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आया फिलिप साज, राइट आर्म बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकता है, T20 एवरेजिंग का 26 का है, लास्ट 5 मैच में 73 रन बना कह रहे, तो एक ट्रम्पकार पिक बन सकते हैं। डेविड वार्नर लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन एग्रेसिव ओपनर, T20 एवरेजिंग का 40 का है, लास्ट 5 मैच 80 रन बना कह रहे लास्ट 5 मैच में, तो ये एक बिग स्कोरर है, मस्ट हैव पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। मनीष पांडे बैट नंबर 3 और 4 पर कर सकते हैं, क्वालिटी हिटर है, T20 एवरेजिंग का 32 का है, लास्ट 5 मैच 146 रन बनाया कह रहे, लीडिंग रन स्कोरर भी है और मस्ट हैव पिक भी है भी। ऋतु शाह एग्रेसिव ओपनर है, T20 एवरेजिंग का 27 का है, लास्ट 5 मैच सिर्फ 63 रन बनाया कह रहा है, ये भी बिग स्कोर करके आ सकता है, मस्ट हैव पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। रोहन पॉल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आते हैं, एवरेज इनका 25 का है, T20 में लास्ट 5 मैच 125 रन बना कह रहे, हार्ड बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलर भी है और मस्ट हैव पिक बोल सकते हैं इनको। तो नीचे के 2 प्लेयर आई थिंक नहीं खेल सकते, मिचेल मार्श बैटिंग बॉलर, दोनों में से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, क्वालिटी एंड हार्ड बैट्समैन भी है, एवरेज इनका 35 का है, लास्ट 5 मैच में 107 का रन बना कह रहे, लीडिंग रन स्कोरर है प्लस मस्ट पिक बोल सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हैं। अक्षर पटेल सो लेफ्ट आर्म बॉलर है, बैटिंग बॉलर दोनों करता है और अच्छे पिक भी, बैटिंग बॉलिंग भी अच्छा है इनका। और यहाँ पे नीचे कुछ बॉलर का देख लेते हैं जो कि जयदेव पर, चेतन सक्रिया लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, विल बॉल पावर प्ले एंड डेथ बॉल दोनों में बॉलिंग कर सकता है, कंसिस्टेंटली विकेट टेकर बॉलर है, लास्ट 5 मैच इन्होंने 10 विकेट ले गए तो ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। खलीद अहमद लास्ट 5 मैच में 4 विकेट लेकर आ रहे हैं, पावर प्ले दिया तो ये भी बॉलिंग कर सकते हैं, डेबिट ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। नवीन अलग आई थिंक नहीं खेल सकता, अनिक नौरकिया भी डाउट हो सकता है, ईशांत शर्मा ये भी बहुत बड़े बॉलर है तो देखिए खेलता जरूर ट्राई करना, कलमेश नागरकोट ये भी एक अच्छे बॉलर है, लुंगी नंगड़ी भी डाउट है यहाँ पे, और मुस्तफिजुर रहमान ये भी डाउट है। तो स्पिन बॉलर में पे कुणाल पांड्या एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, यहाँ पे विल कॉन्ट्रीब्यूट बैट एंड बॉल दोनों में से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, T20 एवरेज इनको 22 का एवरेज है, लास्ट 5 मैच 139 रन बना कह रहे हैं, 5 विकेट लेकर और मस्ट पिक बोल सकते हैं इनको भी। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म बैट्समैन लेफ्ट आर्म बॉलर भी है और यहाँ पे बॉल इन मिडल और मिडल ओवर में बॉलिंग कर सकता है, लास्ट 5 मैच 5 विकेट। और रवि बिश्नोई गुगली के विल बॉल इन मिडल ओवर लीडिंग विकेट टेकर, लास्ट 5 मैच 7 विकेट लेकर रहे। और अमित मिश्रा राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, डेथ ओवर में बॉलिंग करना सकता है, सॉरी मिडल ओवर में बॉलिंग करना सकता है, लास्ट 5 मैच 4 विकेट लेकर और ये ग्रैंड लीग पिक हो सकता है। तो ये रहा कुछ बॉलर के, कुछ प्लेयर के स्टेट्स, और यहाँ पे कुछ प्लेयर छोड़ गए, यहाँ पे ऑलराउंडर रमन स्नैपर ये भी वेस्ट इंडीज प्लेयर है, राइट आर्म बैट्समैन प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, विल कंट्रीब्यूट बैट एंड बॉल, लेट हिटिंग है, T20 ओरिजिन का 17 का है, 5 लास्ट 5 मैच 62 रन बना करे, 3 विकेट लेके और एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। तो ये राजस्थान के जॉस बटलर, SSV जयसवाल, देवधर परिकल, संजय सैमसन कैप्टन हो सकते हैं, सिमरन हेटमैन, जेसन होल्डन, रियान पराग, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजन चहल और संदीप शर्मा, ये उनके पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकते हैं राजस्थान के। तो पिच रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे देखो, दिस पिच विल सपोर्ट बैटिंग सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड स्कोरिंग गेम हियर। तो एक बैटिंग पिच है, एक गुड स्कोरिंग गेम हो सकता है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग 160 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया 231 रन बना के आया 2 विकेट खो के, ये यहाँ पे स्कोर हाईएस्ट स्कोर है इस पिच में, और लोएस्ट है 80 रन बना के ऑल आउट हो गए थे सब लोग। टोटल 64 मैच खेले हैं यहाँ पे, 21 बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट उनको है और 35 बैटिंग साइड विन किया, तो यहाँ एक चेजिंग पिच बोल सकते हैं आप भी। आप देख लेते हैं राजस्थान कुछ प्लेयर के स्टेट्स। तो जॉस बटलर पहले आते हैं यहाँ पे, राइट आर्म बैट्समैन विकेट कीपिंग करेंगे, यहाँ पे पिछले मैच 40 रन बना गया है, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 67 रन, उससे पहले 39 रन, उससे पहले 70 रन बना गया है। SSV जयसवाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, पिछले मैच 27 12 रन, 13 45 और 7 रन बना गया। तो नेक्स्ट आते हैं वन डाउन बैटिंग करने आते हैं देवदत्त पडिक्कल, जो कि पिछले मैच 28 रन बनाए गए थे, उससे पहले 22 रन, 0 रन, 9 रन और 124 रन बनाए गए थे 62 बॉल में। प्लेयर अच्छा बैटिंग करके आ सकता है तो उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन एक राइट टाइम बैट्समैन है, कैप्टन भी है, पिछले मैच 5 रन, 59 रन, 4 रन, 61 रन और 3 रन बनाया गया है। सिमरन हेटमैन 15 रन, 37, 10 रन, 23 रन और 36 रन बनाया गया है, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है तो नीचे बैटिंग करना आता है, पर कभी एक बार फिनिश भी करके जा सकता है। जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर है, पिछले मैच है 13 रन, 28 रन,
7 रन और 10 रन बना के ना विकेट में, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 3 मैच में 0 विकेट लेके आ रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं रियान पराग, जो कि पिछले मैच 75 रन बना के आया था, उससे पहले 2 रन, 49 रन, 52 रन और 28 रन बना के आ रहा है। पिछले मैच में विकेट नहीं लेता, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट लेके आ रहा था। आर अश्विन, पिछले मैच 0 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 0 विकेट और 1 विकेट, 2 विकेट लेकर आया। एक बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है। ट्रेंट बॉल, पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लेकर आया था, और उससे पहले 2 मैच से विकेट नहीं लेकर आया था। और विजय चहल, पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट लेकर आया है। संदीप शर्मा, पिछले 4 मैच में अच्छा विकेट लेकर आया, 1 मैच 3 विकेट और 1 मैच 1 विकेट लेकर आ रहा है। तो टॉप परफॉर्मेंस व्हेन बोथ टीम फेस अप, जोनी यानी दोनों टीम के हेड टू हेड मुकाबले खेल तब कौन टॉप परफॉर्मेंस थे, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो संजू सैमसन 19 मैच में 670 रन बना कह रहे हैं, 48 का एवरेज है। सिमरन हटमर 8 मैच 196 रन, 33 का एवरेज है। रियान पराग 6 मैच 89 रन। जॉस पटेल 10 मैच 232 रन और इनका 29 का एवरेज है। बॉलिंग में चल 17 मैच 20 विकेट। ट्रेंट बोल 9 मैच 11 विकेट। अश्विन 16 मैच 9 विकेट। संदीप शर्मा 8 मैच 9 विकेट। एडम जंपर 2 मैच 7 विकेट। और जेसन रोलर ने 5 मैच 5 विकेट लेके आया था। टॉप परफॉर्मेंस एट दिस इस वीडियो में वेन्यू में कौन टॉप परफॉर्मेंस थे। संजू सैमसन 5 मैच 232 रन, 77 का हाईएस्ट स्कोर है। संदीप शर्मा 16 मैच 15 विकेट। अश्विन 4 मैच 4 विकेट। चहल 5 मैच 3 विकेट। और एडम जंपर 2 1 मैच 2 विकेट लेके आ रहे हैं, आ सकते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा डिटेल एनालिसिस क्या रहेगा प्लेयर को। तो यहाँ पे पहले विकेट के सिस्टम है, जॉस पटेल आते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, एग्रेसिव ओपनर है। T20 एवरेजिंग का 34 का है। लास्ट 5 मैच 217 रन बना के रहे हैं। मस्ट पिक है। हॉट कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। आपके अपोनेंट टीम भी कर सकता है। संजू सैमसन ये भी स्कीपर है, बैट नंबर 3 और 4 पे आते हैं। क्वालिटी एंड हाइट बैट्समैन है। T20 एवरेजिंग का 29 का है। लास्ट 5 मैच 140 रन बना कर रहे हैं। और ये मस्ट पिक बोल सकते हैं, इनको हेल्प है। देवदत्त पटिकल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकता है या बैट नंबर 3 पर आ सकता है। क्वालिटी हिटर बैट्समैन है। T20 एवरेजिंग का 35 का है। लास्ट 5 मैच 183 बना गया है। और एक ट्रम्प कार्ड पिक इनको बोल सकते हैं। एसएसयू जयसवाल एग्रेसिव ओपनर है। T20 एवरेजिंग का 24 का है। लास्ट 5 मैच 104। क्वालिटी हिटर है, ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं। और रियान पराग ये भी ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि 26 है एवरेजिंग का बैटिंग एवरेज। बैट नंबर 5 या 6 पर आ सकते हैं। लास्ट 5 मैच 206 रन बना कर प्लस 5 विकेट भी लेकर है, तो इसलिए इनको ट्रम्प कार्ड बोल सकते हैं। सिमरन हेटमेयर पास बैट नंबर 5 या 6 पर आ सकते हैं। क्वालिटी एंड हार्ड हिटर बैट्समैन है। T20 एवरेजिंग का 29 का है। लास्ट 5 मैच 121 रन बना गया और ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में। तो अभिषेक सिंह सिंह है, जो कि बैट नंबर 3 या 4 पर आ सकते हैं। लास्ट 5 मैच 193 बना कह रहे हैं, ये भी ग्रैंड लीग हो सकते हैं। और जो रूट बैट नंबर 3 या 4 पर आ सकते हैं। क्वालिटी हिटर बैट्समैन T20 एवरेजिंग का 30 का है। लास्ट 5 मैच 102 रन, 3 विकेट भी लेकर है। अगर खेला जाए तो एक मस्ट पिक बन सकता है। ऑलराउंडर पे नवदीप सहनी विल बॉल इन पावर प्ले डेथ ओवर, लीडिंग विकेट लेकर है। 5 मैच 10 विकेट लेकर है। खेलता है जरूर ट्राई करना। संदीप शर्मा विल बॉल इन पावर प्ले मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आता है। 5 मैच 6 विकेट लेकर है, तो ट्रम्प कार्ड पिक बोल सकते हैं संदीप शर्मा को। ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट हैंड बॉलर है, विल बॉल इन पावर प्ले डेथ ओवर। कंसिस्टेंटली विकेट टेकर बॉलर है। लास्ट 5 मैच 4 विकेट। मस्ट है पिक है। कैपेबल टू टू बल्क विकेट्स, बल्क में विकेट ले सकता है। फजल अफार की बहुत बड़ा बॉलर है, खेलता है जरूर ट्राई करना, एक अच्छे बॉलर है भी। नेक्स्ट है आप, तो नेक्स्ट आते यहाँ पे ओपीडी मैक्रो, ये बहुत बड़ा बॉलर है, ट्रम्प कार्ड पिक बोल सकते हैं अगर ये खेलता है तो। मैक्रो जेंसन लेफ्ट हैंड बॉलर है, विल बॉल इन पावर प्ले कंसिस्टेंटली विकेट टेकर बॉलर है। 5 पर 7 विकेट लेकर है, अगर खेलता है तो मस्ट पिक बोल सकता हूँ मैं। स्पिन बॉलर में अश्विन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, लेट हिटिंग है। लास्ट 5 मैच 6 विकेट लेके आया और एक ट्रम्प कार्ड है। विजय चहल राइट आर्म गुगली बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, कंसिस्टेंटली विकेट लेके आ रहा है। लास्ट 5 मैच 4 विकेट लेके आ रहा है और ये भी ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है। आदिल रशीद राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, ये भी कंसिस्टेंटली विकेट लेके आता है। लास्ट 5 मैच 8 विकेट लेके आ रहा है और ये भी मस्ट पिक बोल सकते हैं। माइक मार्कंडे आई थिंक डाउट रहेगा, अगर खेलता है तो ग्रैंड में ट्राई करना। एडम जंपर राइट आर्म गुगली बॉलर है, विल बॉल इन मिडिल ओवर, 5 मैच 8 विकेट लेकर आए। अकेला हुसैन डाउट रहेगा और मुर्गन अश्विन में भी डाउट रहेगा। तो अगर अभी के लिए कुछ दौड़ने का प्लेयर के स्टैट देख लेते हो, चलो अब टीम से मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूंगा आपके सामने। चलो गाइस टीम देख लेते हैं। तो अगर जहाँ पे लो मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका हूँ, तो मैं इसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूंगा आपके सामने। तो अगर एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, तो इस टाइम में पहला मैं 5 4 बैट्समैन के साथ जाऊँगा मैं।
मैं पहले लूँगा मैं डेविड वार्नर को, जो कि फॉर्म है पिछले 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, क्योंकि कैप्टन भी है तो इसकी वजह से फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। पिछले मैच देख लो यहाँ पर 37 रन बनाया गया था उन्होंने, और उससे पहले मैच उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कराया था लखनऊ के खिलाफ 56 रन की। उससे पहले टेस्ट में ओडीआई में 23 रन, टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, पर प्लेयर अच्छा है, कैप्टन भी है, तो मुझे लग रहा है इस मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पिक किया मैं शिमरन हेटमेयर को, हेटमेयर पिछले मैच 36 रन बनाया गया था, उससे पहले 22 रन, उससे पहले 25 और उससे पहले 0 रन बना के उठाया था। प्लेयर अच्छा है, बैटिंग बहुत बड़ा करके आता है, फिनिश करता है मैच को, और थोड़ा नीचे बैटिंग करना था पर बैटिंग बहुत बड़ा करके दे सकता है। नेक्स्ट टाइम पिक किया मैं SSV जयसवाल को, जयसवाल का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 11 रन, उससे पहले 54 रन बनाया गया था पहले मैच, और उससे पहले 88 रन यहाँ पे DY पटेल स्टेडियम में, और उससे पहले 27 रन। प्लेयर अच्छा है, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आ सकता है जयसवाल, और यहाँ पे आज वो ओपनिंग भी कर सकता है क्योंकि जॉस पटेल यहाँ पे इंजर्ड हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे ओपनिंग करके आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है पृथ्वी शॉ को, जो कि पिछले मैच 7 रन बनाया गया था, उससे पहले 12 रन, उससे पहले 11 रन, उससे पहले 34 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है भी, ए भी कभी चल सकता है, तो इसकी वजह से मैं पृथ्वी शॉ के साथ जाऊँगा। विकेट कीपर में एक ही विकेट के साथ जाऊँगा मैं, वही संजू सैमसन, जो कि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया था, यहाँ पे 42 रन की, उससे पहले 55, उससे पहले 5 रन, उससे पहले 36 रन बना गया था। प्लेयर अच्छा है, कैप्टन भी है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है इस मैच में, और यहाँ पे पॉइंट्स भी आपको दोनों तरह पॉइंट देखा सकता है, बैटिंग प्लस विकेट कीपर। ऑर्डर पे यहाँ पे 2 ऑर्डर के साथ जाऊँगा मैं, पहले यहाँ पे लूँगा मैं अक्षर पटेल को, जो कि पिछले मैच 36 रन बनाया गया था पर बॉलिंग नहीं गया था, उससे पहले 16 रन, 1 विकेट, उससे पहले 2 रन, 2 विकेट, तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े करके आ सकता है, इसकी वजह से मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पिक किया मिचेल मार्श को, जो कि बहुत बड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन है, पिछले मैच 4 रन बनाया, 1 विकेट लिखा था, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 47 रन, उससे पहले 66 रन बनाया गया था। प्लेयर अच्छा है, बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आता है मिचेल मार्श, तो 2 मैच फ्लॉप हुए, तो मुझे लग रहा है इस मैच का अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है। बॉल में यहाँ पर 4 बॉलों के साथ जाऊँगा मैं, पहले यहाँ पर लूँगा मैं विजन छल को, पिछले मैच 1 विकेट लिखा था चलो, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट लिखा था। बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, तो हर मैच विकेट लेके आ सकता है, इसकी वजह से मैं छल के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट यहाँ पिक किया मैं खलील अहमद को, जो कि बहुत बड़ा पेस गेंदबाज है, पिछले मैच देख लो उन्होंने 1 विकेट लिखा था, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले अच्छा विकेट टेकर बॉल था, कंसिस्टेंटली विकेट लेके आता है, तो मुझे लग रहा है इस मैच 1 या 2 विकेट लेके आ सकता है। और लास्ट नेक्स्ट यहाँ पिक किया मैं ट्रेंट बोल्ट, जो कि पिछले मैच बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, विकेट नहीं लेकर आता, पर उससे पहले 2 विकेट 1 मिनट ओवर करके आता, तो पिछले मैच फ्लॉप हुए, तो मुझे लग रहा है इस मैच एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो इसकी वजह से मैं ट्रेंट बोल्ट को लूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन में, ट्राई करना है इनको, एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दे सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पिक किया मैं एंड्रिक नॉर के, इनको मस्ट पिक लूँगा, क्योंकि पिछले मैच उनका पहला मैच था IPL में, उसमें भी उन्होंने 2 विकेट लेके आया था, उससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, साउथ अफ्रीका बॉलर है, और ये हर मैच आपको विकेट लेके दे सकता है। तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करते हैं, मेरा कैप्टन रहेगा संजू सैमसन को, मैं कैप्टन बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा बैट्समैन है, अच्छा बैटिंग करके आ रहा है, और वाइस कैप्टन बनाऊंगा मैं विजेंद्र चहल को, जो कि बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, आपको विकेट लेके आ सकता है। यही सेम टीम के साथ जाऊंगा, और यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री है, फ्री में आप ज्वाइन करके आसानी से विनिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।